नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाजार के पंडित में। तो दोस्तों, आज आपने देखी बाजार में तूफानी तेजी देखी और इसका कारण केवल एक कारण है और इस पर पर्टिकुलर वीडियो भी आपको नए चैनल पे प्रोवाइड किया जा चुका है कि आपको एक इंडिकेटर बताया गया था कि वो मार्केट के सबसे बड़े कंपोनेंट हैं। अगर वो अप होंगे तो पूरा मार्केट एक वन वे रैली बनाएगा। तो वो वीडियो नहीं देखा तो लर्निंग इज अर्निंग चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, लर्निंग इज अर्निंग बाई प्रभाष यूट्यूब पर डालना है आपको और आपको वीडियो मिल जाएगा कि बाजार में कब तेजी और कब गिरावट देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज बाजार क्यों भागा है, इतनी तूफानी तेजी आपको क्यों देखने को मिली, तो यहां पर जानेंगे एक सबसे बड़ा कारण। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक मिस मत करिएगा। और अगर आपने आज हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया था तो आपने बंधन बैंक जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए दिया था, जिसमें आज ही टारगेट अचीव हो गया मॉर्निंग में ही, तो इसीलिए कहते हैं ये सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करी जाती हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सारी गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है। सुबह बजट से ही आप लोगों को हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड की गई थी, तो जाके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मन इंफ्रा में भी देखिएगा, आपको बताया गया था, तो बढ़िया मूवमेंट आपको आज देखने को मिला, विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑल द इन्वेस्टर ऑफ मन इंफ्रा। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया निफ्टी बैंक आपको बताया था इसका कंपोनेंट, फाइनेंशियल सेक्टर का जो कंपोनेंट है निफ्टी 50 में, इस सेक्टर का जो वेटेज है, यानी कि इस सेक्टर का जो वेटेज है निफ्टी 50 में, वो है आपका 38% के आसपास। 38%, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर पर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो देन आफ्टर दैट आपको निफ्टी में वन वे रैली देखने को मिलेगी, चाहे वो निगेटिव साइड में हो। इतने दिनों से आपको निफ्टी बैंक में गिरावट देखने को मिल रही थी, तो पूरी मार्केट आपको रेड देखने को मिल रही थी और आज पूरी गिरावट को विद इन वन डे कवर कर लिया है। यानी कि अगर आप देखेंगे कितनी वोलाटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, जितने भी बियरिश कार्टर थे वहां पर बिल्कुल उनका जो ट्रैक था एकदम उल्टा पड़ गया, जब निर्मला सीतारमण ने एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट किया इस पर्टिकुलर सेक्टर से, तो पूरे इन्वेस्टर यहाँ पे खुश हो गए और आपको वन वे रैली देखने को मिल रही है। तो इट इज द बिगेस्ट रीजन फॉर टूडेज गेन, यानी कि आज जो भी निफ्टी 50 में आपको जो तेजी देखने को मिली है उसका वन ऑफ द रीजन है केवल निफ्टी बैंक में आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिला है, ऑल टाइम हाई 30। तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऑल टाइम हाई भी आपको देखने को मिल चुका है। तो इसलिए कहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर पे हमेशा आपको क्लोजली फोकस रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑटो सेक्टर में भी बढ़िया जंप देखने को मिला था, इस पर भी हमने 5 स्टॉक बताए थे आपको, 5 स्टॉक, जिसमें अशोक लेलैंड की मैंने बात करी थी। अशोक लेलैंड अगर आपको रिमेंबर हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, प्लीज जाइए वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको बताया था कि कॉमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड वन ऑफ द माई फेवरेट पिक है। टाटा मोटर्स में भी मूव देखने को मिला, सारे ऑटो सेक्टर में मूव देखने को मिला है, कल भी वीडियो आया था और आपको अशोक लेलैंड में 7-8% की तेजी विद इन वन डे देखने को मिली है। तो ये सेकंड कंपोनेंट था जो आज बाजार को सपोर्ट कर रहा था। तो इसीलिए कहते हैं हर चीज को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी करिए। बाकी रियलिटी सेक्टर पे भी आपको आज बढ़िया मूव देखने को मिला, रियलिटी सेक्टर के लिए भी काफी बढ़िया अनाउंसमेंट हुए हैं कि जो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एक्सटेंडेड बाई 1 ईयर, निफ्टी रियलिटी जम्प्स 2.6%। तो ये सारे सेक्टर थे जिसमें आज आपको काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला, एक बाउंस बैक देखने को मिला, उसके बाद आपको निफ्टी में जंप देखने को मिला। लेकिन पहला रीजन, सबसे बड़ा रीजन था निफ्टी बैंक, जिसमें कि काफी स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक आपको देखिएगा, कई बार बताया गया है, कई बार वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आई थिंक आपको याद होगा। उसमें आज अगर आप देखेंगे तो बढ़िया शानदार तेजी आपको देखने को मिली है, शानदार तेजी देखने को मिली है, जिसमें कि आपको 11% का आईसीआईसीआई बैंक में आपको 11% का
क्या देखने को मिला है, जंप देखने को मिला है। तो आई होप आपको ये स्टॉक भी रिमेंबर होगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था कि नहीं किया था। तो ये सारे बैंक्स में आपको बढ़िया पॉजिटिविटी देखने को मिली, जिसके कारण वन वे रैली देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अनाउंसमेंट क्या हुआ, तो अनाउंसमेंट देखिएगा, ये हुआ कि जब फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा कि वो 20,000 करोड़ और कैपिटल इन्फ्यूज करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में, जो कि एनपीए यानी कि एनपीए जो एक्सपेक्टेड एनपीए बढ़ने की संभावना है उसको कॉप अप करने के लिए, यानी कि उसको हटाने के लिए, उसको क्लीन अप करने के लिए 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा आपको कैपिटल इन्फ्यूजन रीकैपिटलाइजेशन देखने को मिल सकता है। जैसे ही अनाउंसमेंट आया तो निफ्टी बैंक में आपको मूवमेंट आना देखने को मिल गया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा था। ये माना जा रहा था कि आने वाले टाइम में एनपीए ग्रोन अप होंगे तो उसका बैंकों पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो इट इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और उसको देखते ही देखेगा यहाँ पे आपको पूरी निफ्टी बैंक में तेजी आते हुए देखने को मिली। तो पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी स्टॉक हैं उनमें आपको वन वे रैली देखने को मिली। अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक था, जिसमें कि एक स्टॉक हमारा भी था, कौन सा, आपको पता है बंधन बैंक का स्विंग ट्रेड स्टॉक, तो वहां पर भी आपको बढ़िया मूव देखने को मिला। जो टारगेट थे वो अचीव होते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6% की रैली आपको देखने को मिल रही है बैंकिंग इंडेक्स में। तो ये चीज़ कही गई है कि एनपीए इन द बैंकिंग सेक्टर को क्लीन अप करने के लिए काफ़ी मेजर्स लिए जाएंगे, ये बात हुई है। और फिर से एडिशनली 22,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन। तो दीज आर द पॉजिटिव न्यूज़। तो ये एक पर्टिकुलर रीज़न था आज की मार्केट में इतनी ज़्यादा तेजी होने का। देखिएगा कितने लो पे हम लोग आ गए थे, वहाँ से जो पूरा बाउंस बैक आपको देखने को मिला है निफ्टी 50 में, तो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न था निफ्टी बैंक। और आई होप आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि ये पर्टिकुलर तेजी आपको क्यों देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों के पास बैंकिंग स्टॉक्स थे तो उनको आज काफ़ी बढ़िया मुनाफा देखने को मिला होगा। अभी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से भी कई सारे अनाउंसमेंट हुए हैं, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और उनसे रिलेटेड भी स्टॉक्स आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।